के बाद कह चुके नहीं बनेगा, तो आपकी अब अगली रणनीति क्या है? यूपीए में है नहीं है, इसमें एनडीए में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसमें क्या ऐड सिर्फ दानिश जी या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सिकले के लोग की मांग महागठबंधन में समन्वय समिति यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की नहीं है, ये कांग्रेस के लोग हैं। कल आप देखे होंगे भास्कर का कोई चल रहा था कार्यक्रम, उसमें मदनमोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो सर आपको भी बुलाया गया था? हाँ, तो हम तो बाहर थे, नहीं आए, तो वो भी कहे क्या कहते हैं, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी बोल ही रहे हैं, हमारे जो भाई हैं सन्ना भला मुकेश शाह जी कह ही रहे हैं, लेकिन जो बड़ी पार्टी है उसको एकदम रिजेक्ट कर चुकी है, तो आप लोग क्या करेंगे ये बताना? अब तो चुनाव आ गया है, देखिए क्या करना। आपको स्मरण होगा कि हमने एक समय दे रखा था कि 30 दिसंबर तक अगर नहीं होगा तो हम लोग इस पर कुछ एक्शन नहीं ले सकते। 30 दिसंबर 2-4-5 दिन आगे पीछे हम लोग बहुत इसके लिए कवायद किया, बातें नहीं बनी, फिर लॉकडाउन का मामला आ गया और इधर हम 25 तारीख को एकदम डेडलाइन दिया है, 25 जून जून को, क्योंकि कल भी हमारे कांग्रेस के बहुत लोगों से बात हुई है और छोटी छोटी पार्टियां हैं उन लोगों से बात हमारी चल रही है, सबको इसलिए कहा है कि कांग्रेस के साथ और अन्य पार्टियों के साथ राज्यसभा का चुनाव है जो कई प्रदेशों में है 19 तारीख तक वो लोग करेंगे, और जो यहाँ कांग्रेस के प्रभारी हैं शक्ति सिंह देवी उनकी माँ की घर का भी ध्यान हो गया है तो वो भी इस काम में लगे हुए 22 तक लगेंगे, तो 23-24 में वार्ता होगी और 25 को वार्ता हो या न हो हम अपने स्तर से जो भी निर्णय लेना होगा आप लोगों को बुला करके उस दिन हम देखना। लेकिन मानिए जी लगातार आप नीतीश कुमार की बड़ाई करते हैं महागठबंधन में या फिर नीतीश जी के साथ जाए? देखिए यही हम विडम्बना समझते हैं, हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं, आप लोग तो भाई बहुत इंटेलिजेंस काबिल आदमी होते हैं कि जो हम बोलते हैं जो मेरी बात की भावना है वो सेकंड लाइन उसको दे देते हैं, फर्स्ट लाइन वही देते हैं जो आप बोल रहे हैं। आपकी भावना क्या है? वही तो बोल रहे हैं। पहला आप रामविलास पासवान जी का ले लीजिए, रामविलास पासवान जी ने कहा है सिविल कास्ट के आरक्षण का जो मामला है ये बहुत अच्छा मामला है, सरकार को सोचना चाहिए, इसके लिए गोलबंद होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। हमने कहा कि अगर माननीय रामविलास पासवान जी इस बात को समझते हैं, देर ही सही समझते हैं कि स्वागत योग्य है, लेकिन वो मांग किससे कर रहे हैं? वो भारत सरकार में हैं, कदावर मंत्री हैं, तो जब गैर शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए आरक्षण का मामला आया तो संविधान संशोधन करके आरक्षण के मामला को संविधान के 9वीं सूची में डाल दिया गया। जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बवाल हुआ तो भारत सरकार ने माना यथावत उसको रहने देंगे, लेकिन ये दोनों ऐसा मामला है कि हाई कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शेड्यूल कास्ट के विपरीत बातें आ रही हैं, तो इसीलिए हम लोगों की मांग रही है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट हो या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण का मामला हो इसको भी संविधान के 9वीं सूची में डालें, तो इसके लिए रामविलास पासवान जी सक्षम आदमी है। अभी आप बोले कि आप टाइम देंगे 25 तक, इसलिए दो बैठकों में राजद आपसे अलग हो गया आपके चलते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।